अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल ट्रैवल गुरु मसूद में। मैं आपका होस्ट और दोस्त मसूद आलम। आज जो है पीसीसी के रिगार्डिंग मैं आपके हर डाउट क्लियर करने वाला हूँ। पीसीसी के रिगार्डिंग बहुत सारे सवाल, क्योंकि पीसीसी लागू हो गया, कल मैंने भी वीडियो करके बता दिया। उससे पहले जो है मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें बताया था कि कैसे कहाँ से आप पीसीसी ये करेंगे, कुछ डाउट भी क्लियर किया था। लेकिन अभी तक लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो मैं सोचा कि कुछ सवाल जो इम्पोर्टेंट हैं और जो रियली मतलब ऐसा सबका ये कॉमनली ये सवाल सबके दिमाग में आएंगे, सब सोचेंगे यार ये क्या है, ऐसा मतलब हो गया है तो मैं सऊदी से छुट्टी आया हूँ तो जाऊँगा, मेरा वीज़ा लग गया है तो क्या होगा, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। तो वो मैं सब सवालों के जवाब आज देने वाला हूँ आप लोगों को। ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो हो सकता है इसमें से कुछ सवाल आपके दिमाग में भी आ रहे हों, तो ये वीडियो आपके लिए जो है काफ़ी बेनिफिशियल है। आप सवाल कमेंट बॉक्स में अगर आपके पास है तो आप पूछ सकते हैं, और आप वीडियो पूरा देखेंगे तो हो सकता है आपके सवाल का भी जवाब मिल जाए। शुरुआत करने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि जो पीसीसी लगेगा, ये शुरुआत में ही मैं बता देता हूं कि सबके लिए पीसीसी लगेगा, चाहे सऊदी जाने के लिए किसी भी वीजा पे जाइए, किसी भी, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट वीजा हो, विजिट वीजा हो या फिर बिजनेस विजिट वीजा हो, ये सब वीजा पे आपको पीसीसी करा के देना पड़ेगा। बिना पीसीसी के ये वीजा नहीं लगने वाला है, कि ये भी सवाल कई लोगों के दिमाग में आता। तो आने से पहले मैं सोचा कि बता दूं, क्योंकि ये कौंसलेट से सर्कुलर आ गया है कि अभी ऑल टाइप ऑफ वीज़ा स्टैंपिंग के लिए पीसीसी चाहिए, पीसीसी ज़रूरी है। तो ये तो एक हो गया कौंसलेट की तरफ से अपडेट, और जो है मैं आप लोगों के सवाल जो है वो दूंगा, उसके जवाब दूंगा। पीसीसी तो लगना ही है, वो तो सबको कंफर्म है, और पीसीसी कैसे इशू होता है वो भी सबको कंफर्म है। तो पीसीसी के लिए आप पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट से जाके खुद से भी कर सकते हैं, आप उस पर खुद को रजिस्टर्ड करिए सबसे पहले, उसके बाद से अप्लाई फॉर पीसीसी का ऑप्शन आता है, आप अप्लाई कर दीजिए वहाँ से आपके डिटेल्स भर के। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आपको जो नहीं आता, मैक्सिमम लोगों को नहीं आता है, 500 रुपया उसका फीस है, जो भी वो लोग चार्ज लेते हैं आपके जो दुकान वाले, जो साइबर कैफ़े वाले या फिर और लोग जो पासपोर्ट ऑनलाइन करते हैं। आपने अगर पासपोर्ट बनवाए हैं तो आपको मालूम होगा कि आपके शहर में, आपके गांव में, आपके टाउन में, बाजार में कौन है जो पासपोर्ट के लिए अब आवेदन करते हैं, उसका जो है अपॉइंटमेंट निकालते हैं, बस वैसे ही पीसीसी का अपॉइंटमेंट आपको उनसे निकलवा लेना है। और पीसीसी सबमिट करने, जब आप पीसीसी का मतलब करने जाएंगे, जब आपका अपॉइंटमेंट निकल जाएगा तो पासपोर्ट ऑफिस में आपको जाना होगा, नज़दीकी पासपोर्ट ऑफिस जो आप बोलेंगे भाई, जो गोरखपुर है, गोरखपुर, लखनऊ, जहाँ का आपका पासपोर्ट है, ये भी देख कर लीजिए। ये नहीं कि मुंबई में आपका पासपोर्ट पड़ा है तो आप आके मुंबई से पीसीसी करा लें, ऐसा नहीं होता। पासपोर्ट जहाँ का है, जिस आपके जिला का है और जिस सिटी का है, आपको वहीं जाना है, वहीं के पासपोर्ट ऑफिस में आपको संपर्क करना है, वहीं का अपॉइंटमेंट निकाल के वहीं पे होगा, लोकल थाने से आपका वेरिफिकेशन होता है। और देखिए मैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है ना पीसीसी के टाइम आप जाते हैं कराने के लिए, तो क्या डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एज यूजुअल वही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में वीडियो शेयर करिए, और नॉइज आ रहा होगा तो सॉरी, क्योंकि हमारे ऑफिस के बाहर थोड़ा काम चल रहा है तो ठक ठक की आवाज़ें आ रही होंगी, इसके लिए सॉरी। आप वीडियो को शेयर करिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज मेरा फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके सवाल वहां से आप जो है मुझे मैसेज में भेज सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले एक भाई का सवाल लेते हैं, वो जो है उनका मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। दानी संसारी साहब ने ये सवाल किया है कि भाई अगर कोई छुट्टी पे गया है सऊदी अरब से इंडिया, छुट्टी पे गया है और उसको आना है, उसके आने की फ्लाइट है, तो क्या मतलब उसका भी पीसीसी लगेगा? तो नहीं। तो ऐसे अगर सवाल जितने लोगों का भी हो तो वो आप लोग सुन लीजिए कि नहीं लगेगा, उनका पीसीसी नहीं लगेगा। पीसीसी किसका लगता है? जिनका वीजा लगने जाता है, वीजा स्टैंपिंग के टाइम पे ही पीसीसी लगता है। तो दानिश भाई आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, और जो भी वो हैं आपके जो आने वाले हैं उनको अपडेट कर दीजिए कि भाई नहीं लगेगा। दूसरा सवाल है अनवरी शेख का कि भाई साहब जिसका मेडिकल हो गया है, मोफा नंबर मिल गया है, तो क्या उसका मेडिकल का टाइम फेल हो जाएगा, पीसीसी नहीं कराए? भाई बिल्कुल, मेडिकल का टाइम अगर फेल होने वाला है, फेल हो गया लेकिन फिर भी वीज़ा नहीं लगेगा बिना पीसीसी के, वो मैटर ही नहीं कर रहा है। कई लोग इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कौंसलेट में ऑफिस वाले, और जब ऑफिस वाले सब मिलके एक साथ कौंसलेट में ऐसा बात करेंगे कि भाई जिनका एक्सपायरी पे मेडिकल है उनका तो कम से कम वीज़ा लगा दो, क्योंकि पीसीसी आने में एक महीना डेढ़ महीना जाने वाला है। तो हो सकता है इस पर कुछ ऐसा न्यूज आए, लेकिन अभी तक न्यूज़ नहीं आई है, तो मान के चलिए कि आपको पीसीसी कराना ही पड़ेगा, पीसीसी करा लीजिए। तो अब एक है द स्टाइलिश MJ ट्रेवलर, वो लिखे भाई मेरा 28 जुलाई से वीज़ा लग गया है, मैं अब तक सऊदी नहीं गया हूँ, जाने वाला हूँ, क्या मेरा पीसीसी लगेगा?
तो ये 28 तारीख को इनका वीजा लग गया है आपका, अगर स्टाइलिश एमजे ट्रेवलर साहब, तो आपको पीसीसी की कोई जरूरत नहीं। जिनका वीजा लग गया है उनको पीसीसी की कोई जरूरत नहीं। मैं दोबारा बता दूं कि वीजा लगाने के लिए ही पीसीसी की जरूरत पड़ती है, जाने के लिए नहीं। आपको एयरपोर्ट पे कोई नहीं पूछेगा। एक जन ने मेरे से सवाल किया, रहमत रुस्तम अली साहब ने, कि सर 20 जून को मेरा वीजा स्टैम्प हो चुका है और 4 सितंबर की फ्लाइट है, क्या पीसीसी लगेगा? इनको इनका भी सेम वही सवाल है, नहीं लगेगा। दोनों लोगों को मैं आशा करता हूँ जवाब जो है मिल गया होगा। अब तीसरा सवाल पिक करते हैं कि पीसीसी मुंबई से अप्लाई हो जाएगा कि घर जाना पड़ेगा। तो मैंने आप पहले ही बता दिया, जिसका जहां का पासपोर्ट रहेगा, जुनेश साहब आपका सवाल था ना, ये जावेद साहब सॉरी, तो आपको देना ही पड़ेगा पीसीसी, और वो आपके गांव से इशू होगा। आपका जो मतलब जिस शहर से आप बिलोंग करते हैं, यूपी से हैं, तो आप वहीं से अप्लाई कराएंगे। प्रोसेस मैंने बता ही दिया कैसे कराएंगे, ठीक है। अब आपको उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल का जवाब मिल जाए। तीसरा एक और अगला सवाल है गोलू अंसारी का, वो लिखते हैं, भाई मेरा 15 अगस्त को एम्बेसी में चला गया था स्टैम्प होने, क्या स्टैम्प हो गया या रिटर्न आ जाएगा? तो भाई साहब एक तो चीज़ आप नोट कर लीजिए, कौंसलेट में वीजा अगर स्टैम्प होने के लिए जाता है ना, 15 अगस्त को गया है तो 16 अगस्त को उनको वापस लेना पड़ेगा। 15 अगस्त को कौंसलेट बंद था तो जाएगा कैसे? तो एजेंट लोग क्या बोलते ना, बोल देते भाई आपका वीज़ा चला गया है, सबमिशन में चला गया है, एम्बेसी में, एम्बेसी में कुछ भी नहीं रहता है। ये भी डाउट सबका मैं क्लियर कर दूं, किसी का भी अगर जो उन्होंने एजेंट को या ऑफिस को दिए हैं, तो वो एजेंट या ऑफिस के पास आपका पासपोर्ट होगा, वो सबमिशन नहीं किए होंगे। सबमिशन करेंगे तो आपका वीज़ा लग जाएगा या रिजेक्शन आएगा। अभी 22 तारीख को जैसे जो ना, पूरे 22 तारीख में एक न्यूज़ बता दूं, सबमिशन हुआ, खाली एक वीज़ा लगा था, एक वीज़ा, वो भी 21 आदमी का, वो बहुत ही लकी आदमी होगा, उसने पीसीसी दे दिया था ऑफिस वाले को तो लग गया। उसके बाद से जो कल वीज़ा लगे मंगल के दिन, 20 वीज़ा उसमें लगे हैं, पीसीसी उनका था, क्योंकि ये न्यूज़ 10 तारीख को ही आ गई थी कि पीसीसी लगेगा 10 अगस्त को। तो उस बीच में जो लोगों ने करवा लिए थे, जिनको जल्दी जल्दी अपॉइंटमेंट मिल के हो गया था, उनका वीज़ा लगा है। उसके बाद से सब ऑफिस वाले लोग कन्फ्यूज है, भाई क्या करें क्या नहीं करें, बिना इसके तो लगने वाला है नहीं। तो आशा करता हूँ आज के जो जिनके जो सवाल थे उन सबका जवाब मिल गया होगा। अगर आप लोगों का भी ऐसा ही कोई डाउट होगा तो वो डाउट जो है बिल्कुल इस पीसीसी के रिगार्डिंग जो आपके सवाल थे, जो डाउट थे, वो सब क्लियर हो जाएंगे। आपने देखे होंगे तो आपका भी डाउट क्लियर होगा। इसके बाद से भी आप लोगों के पास और कोई सवाल है कि भाई अब कैसे होगा, तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। देखिए अगर आपका वीज़ा लग गया है तो पीसीसी की ज़रूरत नहीं, अगर आप छुट्टी पे आए हैं जा रहे हैं तो आपको पीसीसी की कोई ज़रूरत नहीं है। पीसीसी की ज़रूरत एक चीज़ नोट कर लीजिए, खाली वीज़ा स्टैम्पिंग करने के लिए पड़ता है, उसी समय उसकी ज़रूरत है। सऊदी में कुवैत जैसा नहीं है कि आपको पीसीसी लेके जाना पड़ेगा नोटरी करा के, ऐसा नहीं है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आएगा। जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि पीसीसी के लिए आखिर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कि सेम पासपोर्ट ऑफिस जाना है तो पासपोर्ट जैसा तो प्रोसेस नहीं रहेगा ना, कि पासपोर्ट के लिए हमको जो जो डॉक्यूमेंट रेडी कराना रहता है, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें, ये नहीं लगेगी? नहीं नहीं बिल्कुल ये सब चीज़ें नहीं लगेंगी। आपको क्या लगेगा, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। जिस अपॉइंटमेंट में, मान लीजिए आपका अपॉइंटमेंट हो गया, आप जा रहे हैं, तो उस टाइम पर आप पहुँचिए, आपके पास अपॉइंटमेंट स्लिप का प्रिंट आउट होना चाहिए, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए, बस इतना डॉक्यूमेंट लेके आप चले जाइए, आपका हो जाएगा। आधार कार्ड पैन कार्ड सभी के पास रहता है, ठीक है। पैन कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आधार कार्ड है आप अपना आधार कार्ड लेके चले जाइए, और वोटिंग आईडी है तो वोटिंग आईडी लेके चले जाइए, और पासपोर्ट एकदम मैंडेटरी है लेके जाना। ये नहीं कि भाई मुंबई में है तो क्या मैं पासपोर्ट के बिना करा सकता हूँ जेरॉक्स पे, नहीं नहीं होगा। ओरिजिनल पासपोर्ट तो चाहिए ही पीसीसी के लिए, पहला वही मेन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। वो लोग देखेंगे फिर आपका, जब पीसीसी का वो सब चेक कर लेंगे, हाँ भाई जाओ ठीक है, चले जाएंगे, फिर वो लोग रिपोर्ट सबमिट करेंगे आपके लोकल थाना को, जहाँ का आपका पुलिस स्टेशन है, वो लोग वहाँ पर चेक करेंगे, चेक करके जो है वो दे देंगे रिपोर्ट फिर पासपोर्ट ऑफिस को, फिर वहाँ से आपका दो कॉपी जो है आपके एड्रेस पे कुरियर से स्पीड पोस्ट से आ जाएगा। उसमें आप एक कॉपी रखिए अपने पास, एक कॉपी ऑफिस वाले को भेज दीजिए, और स्कैन कॉपी भी करके अपने पास एक रख लीजिए, ताकि कभी अगर गुम हो तो वो आपके काम आ जाए, तो ये संभाल के रखिएगा। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आज की जो है ना आपके सारे डाउट क्लियर कर दिया होगा, और सब चीज़ आप समझ गए होंगे। और ये बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए फिर से दोबारा से आपसे माफ़ी चाहते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।